नमस्कार, आज हम पढ़ाएंगे आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए, प्लांक ने सबसे पहले बताया, प्लांक का जो सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण तरंग के रूप में नहीं होकर कणों के रूप में होता है। इन ऊर्जा के बंडलों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। जो उन्होंने बताया कि जो कण कणों या बंडलों के रूप में होता है, उनको हम क्वांटा कहते हैं। पहले हम समझते थे कि जो प्रकाश हमारे प्रकृति में है, उसका संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो होता है, या ऐसे ही किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने में जो होता है, तो वो तरंग के रूप में होता है। लेकिन नहीं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया, इससे ये धारणा बदल गई। उन्होंने बताया कि कणों के रूप में होता है और ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, जिसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, और इन बंडलों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। क्वांटा शब्द जो है वो नेचुरल लाइट के लिए होता है, सनलाइट से जो फोटॉन कण आते हैं उनके लिए हम क्वांटा कहते हैं, जो बंडल होते हैं ऊर्जा के पैकेट। और जो फोटॉन शब्द है वो आर्टिफिशियल लाइट के लिए यूज कर दिया गया है, जैसे हम बल्ब से जो लाइट आती है उसके लिए, बाकी कोई खास अंतर है नहीं इसमें। और किसी फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, ये भी आप जान लीजिए। और किसी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है आवृत्ति के समानुपाती होती है, ई और समानुपाती का सिंबल और न्यू, और जब हम बराबर लाएंगे, समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं एच, प्लांक नियतांक, सिंबल होता है एच और उसको कहा जाता है ई इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.64 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। जो प्लांक नियतांक की यूनिट होती है जूल सेकेंड होती है। और अगर मान लो n फोटॉन है, उनकी ऊर्जा कितनी होगी, तो उसको हम निकाल सकते हैं ई बराबर एन एच न्यू, ये हमारी इनर्जी है। एक एक जो फोटॉन कण है उसकी ऊर्जा होती है एच न्यू, और जितने भी हमारे रहेंगे कण उनका मल्टीप्लाई करके टोटल कणों का ऊर्जा निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम न्यू की जगह पे सी अपॉन लेमडा भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सी अपॉन लेमडा रखा गया है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। और ई का मात्रक होता है जूल एनर्जी, उसका तो मात्रक जूल ही है। और अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा में सी जो है प्रकाश की चाल होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा अगर निकालने को बोला जाएगा तो एच सी अपॉन लेमडा इंटू ई का मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आवेश यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एच कांस्टेंट इसकी वैल्यू रख देंगे, सी की वैल्यू रख देंगे और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, या उसके आवेश जो रहता है इलेक्ट्रॉन पर, और ये लेमडा हमारा तरंग दैर्ध्य बना रहेगा, तो उसको हल करने पर एक डायरेक्ट रहेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको निकालने को बोला जाए एनर्जी, और हमारे पास एच सी और इलेक्ट्रॉन इन सबकी तो वैल्यू हमें पता ही है, ये कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसको हल करने के बाद एच सी और ई का वैल्यू पुट करने के बाद आएगा ई इक्वल टू 12,400 अपॉन लेमडा, इस वैल्यू में हम रख देंगे बराबर में, तो हमारा आंसर आ जाता है एनर्जी का। और इससे हमें एक फार्मूला ये मिल जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। यहाँ पर जो लेमडा है वो बदलना नहीं पड़ेगा, सीधा एंगस्ट्रॉम में रख देंगे इस फार्मूले में, इक्वल टू 12,400 अपॉन लेमडा में, ठीक है। जिस फोटॉन की तरंग दैर्ध्य उच्च होगी उसकी ऊर्जा कम होगी। देखिए, तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक, ऊर्जा उतनी कम, याद रखना। और ये एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा है एग्जांपल के रूप में। देखिए, 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब देखिए एक शब्द आ गया, इसमें हमें ज्ञात करना है फार्मूला, ये याद रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा में वैल्यू पुट कर दो। लेमडा तरंग दैर्ध्य दे रखी है, इसको भी चेंज नहीं करना, एंगस्ट्रॉम में ही वैल्यू पुट कर देनी है। हल कर दिया, बराबर 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक,